गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम टेकिंग LKG क्लास एंड सब्जेक्ट इंग्लिश। अभी देखिए, यहाँ पर हम पहले कर्सिव राइटिंग से स्टार्टिंग करते हैं। देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एफ, देखिए एफ, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रॉग। अब यहाँ पर हम एफ कैसे लिखेंगे, देखिए लाइनिंग दिया हुआ है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लिखेंगे। ये कैपिटल एफ हो गया। आपको फिर से हम बता दे रहे हैं, फोर लाइन है, वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, फोर लाइन। पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट लाइन से हम थर्ड लाइन लाएंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद हम फिर थोड़ा सा इस साइड करेंगे और इस हल्का से इस करेंगे। क्या बनाइए, एफ। जैसे हम ई लिखने के लिए हम सीखे हैं, इसी तरह से एफ। लेकिन ई में आपको तीन, थ्री लाइन्स देना होता है, लेकिन एफ में सिर्फ टू लाइन्स देना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा लंबा लाइन, ऐसे फिर थोड़ा सा छोटा लाइन। क्या बन गया ये, एफ, एफ फॉर फिश। अब यहाँ पर देखिए एफ, ये स्मॉल एफ, यहाँ पे कैपिटल एफ और यहाँ पे क्या है, स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ में आपको देखिए किस तरह से लिखना है। सो फर्स्ट लाइन से हम थर्ड लाइन आएंगे इसमें भी, और सेकेंड लाइन में हल्का सा इसमें क्रॉस कर देंगे। तो क्या बनाइए, स्मॉल एफ। गुड, अभी इतना हो गया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, 4-6 होमवर्क है आपका, ये पेज नंबर 14 एंड 15, पेज नंबर 14 एंड 15, ये आपका होमवर्क है। अब हम इंग्लिश प्राइमर बुक पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर साउंड ऑफ ए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, फिर हम इसको रिपीटाइज करेंगे हम, ठीक है। साउंड ऑफ ए, ए का वर्ड जो होता है वही वर्ड सब दिया हुआ है, जिसमें हम ए का वॉवेल्स में जो ए आता है, ए ई आई ओ यू, उसका ही हम, उसके बीच में से हम ए का, हम साउंड ऑफ ए का हम यूज कर रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए एम ए एन, मैन, दिखाई दे रही है ना, एम ए एन, मैन। सी ए टी, कैट, सी ए टी, कैट। एफ ए एन, फैन। बी ए जी, बैग। एल ए डी, लेग। एफ ए एन, फैन। एफ ए टी, फैट। अब यहाँ पाते हैं बी ए जी, बैग। एल ए जी, एल ए डी, लेड। एफ ए टी, फैट। अब यहाँ पर साउंड ऑफ ए डी, बी ए डी, बैड। डी ए डी, डैड। एम ए डी, मैड। एल ए डी, लेड। एस ए डी, सैड, यानी कि एड का, एड का प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। एन का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, बी ए एन, बैन। पी ए एन, पैन। आर ए एन, रैन। एम ए एन, मैन। बी ए एन, भैन। एफ ए टी, फैट। यहाँ पर देखिए अब ए टी का साउंड आ रहा है, एफ ए टी, फैट। एच ए टी, हैट। एम ए टी, मैट। सी ए टी, कैट। आर ए टी, रैट। अब पढ़ेंगे साउंड ऑफ ए बी का, देखिए यहाँ पर एड का पढ़ें, एन का पढ़े, एड का पढ़ें, अब पढ़ेंगे ए बी, यानी कि एफ का। सी ए बी, कैब। एफ ए बी, बैब, फैब। टी ए बी, टैब। एन ए बी, नैब। एल ए बी, लैब। बी ए डबल एल, बॉल। अब यहाँ पर देखें ऑल का, ए डबल एल, ऑल, ऑल का है प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे अब, ठीक है। बी ए डबल एल, बॉल। सी ए डबल एल, कॉल। एफ ए डबल एल, फॉल। एच ए डबल एल, हॉल। एम ए डबल एल, मॉल। इसको हमको रीड करना है, ठीक, क्या करना है हमको, रीड करना है, राइट एंड रीड। क्लास वर्क में आपको ये करना है, राइट एंड रीड। साउंड ऑफ वर्ड्स प्रैक्टिस फ्रॉम मोर ए साउंड वर्ड्स हेडलाइन में लिखना है, और आपको इस तरह से बॉक्स में जो दिया हुआ है वही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर राइट ए इन सर्कल्स, एफ ए एन, फैन। यहाँ पर देखिए क्या आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर फैन है, तो यहाँ पे ए डाल दिए तो क्या बन गया, फैन। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ का, क्या पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये आपको कैट दिखाई दे रही है, तो सी ए टी, कैट। यहाँ पर देखिए, देखिए बॉयज है ना, क्या कर रहा है ये, एल ए डी, लैड। यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, एफ ए टी, फैट, मोटा दिखाई दे रहा है ना, एफ ए टी, फैट। ये क्या है, हैट, एच ए टी, हैट। यहाँ पर देखिए आर ए टी, रैट। अब यहाँ पर देखिए फिल द ब्लैंक्स विथ ए, ए लैड हैज ए कैप, ए लैड हैज ए कैप। ये जो कैप पहना हुआ है, कैप पहना हुआ है ए। अब यहाँ पर देखिए ए कैट हैज बैट, ए कैट हैज ए बैट। देखो कैट जो है, सो बैट लिए हुए ना, ए कैट हैज ए बैट।
ए फैट वोमेन हैड भैंस। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है ए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए एफ ए टी फैट, यहाँ पर ओमेन ओ डब्ल्यू ओ एम ए ओमेन एच ए डी हैड बी ए सी भैंस। ए सैड मैन हैज ए लैम्प, ए सैड मैन हैज ए लैम्प, यहाँ पर लैम्प लेकर बैठा हुआ है सैड सैड मैन, तो वही में दिया हुआ है। तो ये आपको बुक, इसको तो हमको बुक में करना है ठीक है, और ये जो है आपको कॉपी में करना है, इसको राइटिंग और रीडिंग करना है आपको ठीक है। अब इसके बाद होमवर्क हम दे रहे हैं, इसी में से हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश फिल द ब्लैंक्स साउंड ऑफ ए। अब बी ए डी बैड, डी ए डी डैड, एम ए डी मैड, एल ए डी लैड, एस ए डी सैड। इसमें जो आपको दिया हुआ है इसमें आपको ए को फिलअप करना है और वर्ड बनाना है ठीक है। तो हम फिर से पढ़ करके आपको है संबंध बता देते हैं। ए बी ए डी बैड, डी ए डी डैड, एम ए डी मैड, एल ए डी लैड, एस ए डी सैड, बी ए एन बैन, पी ए एन पेन, आर ए एन रैन, एम ए एन मैन, बी ए एन भैन, एफ ए टी फैट, एच ए टी हैट, एम ए टी मैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, सी ए बी कैब, एफ ए बी फैब, टी ए बी टैब, एन ए बी नैब, एल ए बी लैब, बी ए डबल एल बॉल, सी ए डबल एल कॉल, एफ ए डबल एल फॉल, एच ए डबल एल हॉल, एम ए डबल एल मॉल, एच ए एस हैज, एल ए एम पी लैम्प, वी ए एस ई भैंस, सी एच ए एल के चौक, टी ए बी एल ई टेबल, सी एच ए आई आर चेयर। इसको आपको फिलअप क्या करना है, आपको इसमें एस ए को फिलअप करना है, क्या करना है ए को फिलअप करना है। ये आपका होमवर्क हो गया ठीक है। इसके बाद फिर बताते हैं, अब पढ़ेंगे हम पिक्चर डिक्शनरी में। हम आते हैं पिक्चर डिक्शनरी, पिक्चर डिक्शनरी में आज हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ड। क्या पढ़ेंगे हम एक्शन वर्ड। देखिए एस एल आई डी आई एन जी स्लाइडिंग, एस एल आई डी आई एन जी स्लाइडिंग, एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग, जे यू एम पी आई एन जी जम्पिंग, आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग, सी एल आई एम बी आई एन जी क्लाइंबिंग, के आई सी के आई एन जी किकिंग, एस के आई डबल पी आई एन जी स्कीपिंग। ये क्या है, जो भी काम हम करते हैं उसमें हमको एक्शन वर्ड में हम आई एन जी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कोई भी वर्ड में हमको आई एन जी लगाएंगे तो वो कौन सा वर्ड बन जाता है, एक्शन वर्ड बन जाता है। कौन सा वर्ड बनता है, एक्शन वर्ड। अब यहाँ पर देखिए ई ए टी आई एन जी ईटिंग, एल आई एस टी ई एन आई एन जी लिसनिंग, आर ई ए डी आई एन जी रीडिंग, रीड यानी कि रीड करते हैं तो काम कर रहा है ना, काम करते समय जो होता है उसको बोलेंगे, उसमें हम आई एन जी को यूज करेंगे, लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, नया वर्ड बन जाएगा और इसमें हो जाएगा कि जो काम हम रेगुलर कर रहे हैं। डब्ल्यू ए एल के आई एन जी वॉकिंग, डी ए एन सी आई एन जी डांसिंग, से एस आई एन जी आई एन जी सिंगिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग, पी यू एस एच आई एन जी पुशिंग, टी एच आई एन के आई एन जी थिंकिंग, एस एल डबल ई पी आई एन जी स्लीपिंग, बी ए टी एच आई एन जी बाथिंग। यानी कि ये कौन सा वर्ड आ रहा है, ये आपको एक्शन वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है, एक्शन वर्ड। तो जैसे हम अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखें ई ए टी, इसमें हम आई एन जी लगा दिए क्या हो गया, ईटिंग। एल आई एस टी ई एन लिसन, लिसन में सुनना, तो आई एन जी लगा दिए तो क्या हो गया, लिसनिंग। आर ई ए डी रीड, रीड मीन्स पढ़ना, यानी कि आई एन जी लगा दिए तो क्या हो गया, रीडिंग। वॉक, वॉक मीन्स टहलना, तो क्या हो गया, डब्ल्यू ए एल के वॉक, आई एन जी लगा दिए तो क्या बन गया, वॉकिंग। डी ए एन सी आई एन जी डांसिंग, डांसिंग मीन्स डांस करना। एस आई एन जी आई एन जी सिंगिंग, सिंगिंग मीन्स गाना गाना। डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग, यानी कि राइटिंग है जो कि अभी हम कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो राइटिंग। एफ पी यू एस एच आई एन जी यानी कि पुशिंग, पुशिंग मीन्स थोड़ा सा धकेलना, हल्का सा पुश करते हैं है तो उसको बोलते हैं। टी एच आई एन के थिंक आई एन जी थिंकिंग, थिंकिंग में सोचना। एस एल डबल ई पी आई एन जी स्लीपिंग, स्लीपिंग में सोना, जो हम लोग सोते हैं। बी ए टी एच आई एन जी बाथिंग, बाथिंग मीन्स यानी कि स्नान करते हैं। तो क्या सब क्या है, ये सब काम करने वाला है ना, जो काम हम लोग करते हैं उसी में वही आ रहा है वर्ड। जे यू एम पी जम्प, जे यू एम पी
जंप, जंप मीन्स क्या बोलते हैं उसको, जंप करना, कुदुकना, जो कि ऊपर से नीचे की ओर फॉल होते हैं तो उसी को बोलते हैं जंप। क्लाइंब, CLIMBING, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मीन्स जैसे किसी चीज़ पर मैंने कि लटकते हैं तो कोई चीज़ को मैंने कैच करना चाहते, ऊपर से हम लोग कैच करने जाते हैं तो उसी को बोलते हैं। ठीक, क्लाइंबिंग मतलब जैसे कि ऊपर में पेड़ के ऊपर जो चढ़ते हैं, चाहे किसी चीज़ के ऊपर रूफ पर किसी पर हम चढ़ते हैं, कोशिश करते हैं चढ़ने के, तो उसी को बोलते हैं क्लाइंबिंग। SITING, सीटिंग, सीटिंग मीन्स बैठना। RUNNING, रनिंग, रनिंग मीन्स क्या होता है, दौड़ना। KICKING, किकिंग, किकिंग मीन्स पैर से जो फुटबॉल खेलते हैं, जो बू इसमें भी दिया हुआ है तो उसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आपको, ईटिंग, लिसनिंग, ये सब क्या काम ही तो हो रहा है ना, इसमें हम लोग काम ही तो कर रहे हैं ना, कोई और कुछ नहीं, इसीलिए इसमें क्या लग रहा है, ING, यानी कि ये क्या कौन सा वर्ड हो गया आपका, एक्शन वर्ड हो गया। तो इसको आपको लिख करके याद करना है, ठीक है, और पढ़ना भी, बुक में दिया हुआ है चैप्टर 4 एक्शन वर्ड, तो आपको लिख करके राइटिंग करना है। ओके, थैंक यू।